हर हर महादेव, जय शिव शंभु। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के सिलसिले में आज मैं अपने गांव जा रहा हूं और गांव में शिव जी का पूजा अर्चना भी करूंगा और आप लोगों को एक छोटा सा ब्लॉग भी बना करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आगे वीडियो में मैं बताऊंगा भी महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे गांव के शिव मंदिर की ओर। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को लेकर शिव पुराण में कई रोचक कथाओं का जिक्र किया गया है। एक कथा के अनुसार शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उन्होंने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए इसी दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसीलिए आमतौर पर गाँव के लोग एवं शहरों के लोग शिव जी की पूजा आराधना करते हैं एवं माँ पार्वती का पूजा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरा द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद। गोदावरी नर्मदा सिंधु कावरी जलम सन्निधम कुरु भवन्तु दैनाथ मीठा पकड़ परमात्म प्रसाद दिगारी शिवम संकल्पम अस्तु। पुनः धीरे धीरे चढ़ाना जय भो भोलेनाथ भूतनाथ इष्ट परमूर्ति बम बम हर हर महादेव। जोड़ा करके प्रणाम तले ओम कृपक्ष जगत विद्यम त्रिशूला वज्रहस्त दंड विश्वपति नारायण नमो नमः। दोस्तों, हम लोगों का पूजा लगभग अब समाप्त हो चुका है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और मंदिर का कुछ और व्यू आप लोगों को मुझे दिखाना है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। डेकोरेशन सजावट आप देख सकते हैं किस तरह से है। डीजे आदित्य बॉक्स, ये शिव मंदिर। इधर खीर बन रहा है, भगवान शिव जी का प्रसाद, महाप्रसाद। आप लोग जरूर आइए और इस महाप्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे गांव का शिव मंदिर को देखा और हम लोगों ने किस तरह से पूजा अर्चना किया, ये सारे चीज़ें आप लोगों के सामने में मैंने दिखाया।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे हमारे पहली बार आप आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं इसलिए ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं दिख रहा है, तो अभी श्रद्धालुओं और भक्तों की आने की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी श्रद्धालु आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और ये रहा हमारा गाँव का शिव मंदिर।